आज हमारा टॉपिक है क्लास टेंथ मैथ के पीके एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। इसके पहले हमने क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स किए हैं, तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके। तो आते हैं सवाल की तरफ। सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस 40 इक्वल जीरो। यहाँ पे आपको ये पता हो कि हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये कौन कौन सी हैं। पहला जो है ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है और ये हमारे पास थर्ड टर्म कहलाता है। ये सवाल हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग वाले सवाल है, इसका हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयरिंग फाइंड करना है। तो हाँ, सबसे पहले काम मैं थर्ड टर्म पे करूंगा। ये थर्ड टर्म इस तरफ आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इक्वल 40 हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं इस सेकंड टर्म पे काम करूंगा। सेकंड टर्म अब यहाँ पे आया है, तो इसमें मैं बी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो इसको हम दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि आप सेकंड टर्म ले लें। सेकंड टर्म में आपके पास है 6x, आप इसको मल्टीप्लाई करें 1/2x के साथ। तो आपके पास ये जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x, ये आ जाएगा 2x, ये x और x डिवाइड हो जाएगी, 2 1 2 2 3 6, यानी आपके पास 3 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ ये नंबर ले ले, वेरिएबल ना ले, 6 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 करें तो यह आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 2 1 2 2 3 6, फिर भी आपके पास 3 आंसर आएगा। जो आंसर आ जाए है उसी को आपने क्या करना है, ऐड करना है बोथ साइड पे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड 8 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए की कीमत है, ये हमारे पास बी की कीमत है और ये हमारे पास 2ab की कीमत है। तो यहाँ से मैं लूंगा ए की कीमत, यानी आप यहाँ पे अपने पास नोट करें, ए की कीमत है हमारे पास एक्स और बी की कीमत है हमारे पास 3। तो ये मैं इस दोनों का होल लूंगा, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 40 प्लस 3 3 9। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 49। फिर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल 7 का होल स्क्वायर। आप दोनों को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, यहां पे लिखूंगा टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 7 और स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ये यहां पे कट जाएगा, आ जाएगा एक्स प्लस 3 और ये यहाँ पे कट जाएगा, आ जाएगा 7। यहाँ पे प्लस माइनस, जब भी हम इसको स्क्वायर रूट इसका खत्म करेंगे तो प्लस और माइनस लगाएंगे। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 3 इक्वल 7, फिर एक्स प्लस 3 इक्वल मनफी 7। तो ये 3 इस तरफ आएगा, एक्स इक्वल 7 माइनस 3 हो जाएगा, ये एक्स माइनस 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एक्स इक्वल ये 4 आ जाएगा और ये एक्स इक्वल मनफी 10 आ जाएगा। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है ये आपके पास आ जाएगा 4 और माइनस 10 हमारे पास
इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको पहले पार्ट की समझ आया होगा। अभी हम पार्ट टू करते हैं। अभी हम उसी क्वेश्चन टू का पार्ट टू हल कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस इलेवन इक्वल जीरो। अभी पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले काम हम तर्क धर्म पे करेंगे। ये कंप्यूटिंग स्क्वेरी के सवाल है। सबसे पहला काम हमने तर्क धर्म पे करने है। तर्क धर्म ये है, ये उस तरफ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स इक्वल मनफी इलेवन। उसके बाद हमने सेकंड टर्म पे काम करना है। तो सेकंड टर्म मैंने आप लोगों को बताया है तरीका कि इसका सिर्फ 10 ले ले, इन्हें वेरिएबल एक्स साथ ना लिया करें। 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 10 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 1 सर 2 2 5, यानी आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 8 5 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल मल्टी 11 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास ए की कीमत है और ये हमारे पास बी की कीमत है। तो ए की कीमत इसमें मेरे पास है, ए की कीमत एक्स है और बी की कीमत हमारे पास 5 है। इस दोनों को मैं क्या करूँगा, होल लूँगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। माइनस इसलिए लगाया कि यहाँ पे माइनस है, माइनस ये 2 ए बी की कीमत है, माइनस है, यानी ये माइनस फार्मूले से हुआ है। इक्वल माइनस 11 प्लस 25, ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 5, ये आपके पास आ जाएगा 25 से 11 निकाले तो आपके पास बचेगा 40। अब यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा। ये मेरे पास आएगा एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल 40। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एक्स माइनस 5 वो खत्म नहीं होता, प्लस माइनस इसी तरह ही आ जाएगा। इस सब में प्लस माइनस मैंने लगाना है। अब ये आप दो दफा लिखिए, एक्स माइनस 5 इक्वल प्लस स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा। यहाँ पे एक्स माइनस 5 इक्वल 14, ये माइनस में आ जाएगा। अब ये 5 उस तरफ जाएगा, x इक्वल ये जब इस तरफ आएगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 14, ये जब उस तरफ आएगा तो आ जाएगा ये 5 माइनस 14। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है ये आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 14 और 5 माइनस 14, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। तो इसका बार बार आप प्रैक्टिस कर ले। किसी को किसी पॉइंट पे मसला हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो और वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।